कश्मीर घाटी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों को एक और करारा झटका लगा है। दरअसल चीन के साथ मिलकर पाक इस मुद्दे को भुनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पहुंचा, लेकिन वहां भी पाक को अपने मुंह की ही खानी पड़ी। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं, इससे तो पूरी दुनिया पहले से ही वाकिफ है, और इन दिनों चीन के साथ भी भारत के रिश्तों में खटास आ रही है। और अब ये दोनों पड़ोसी देश मिलकर भारत के खिलाफ रणनीति बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल चीन के सहयोग से पाक ने यूएनएससी यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर मामले को उठाना चाहा, लेकिन वहां उल्टा पाकिस्तान की ही फजीहत हो गई। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शामिल सभी देशों ने एक बार फिर माना कि जम्मू कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है, इसलिए इस पर समय और ध्यान देने की जरूरत नहीं है। यूएनएससी की ये अनौपचारिक बैठक थी जो बंद कमरे में हुई। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने बताया कि कई सदस्य देशों ने सुरक्षा परिषद में कहा कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा है, और ऐसे में पाकिस्तान का ये प्रयास एक बार फिर विफल हो गया है। सबसे पहले इस मुद्दे का विरोध अमेरिका ने किया, जिसके बाद बाकी देशों ने भी साफ साफ कहा कि इस मुद्दे को यूएन में उठाने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक अनौपचारिक बैठक थी, लिहाजा चर्चा के दौरान कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया और न ही मीडिया में किसी तरह का बयान जारी किया गया। त्रिमूर्ति ने कहा कि नवंबर 1965 के बाद से आज तक परिषद की किसी भी औपचारिक बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा नहीं कराई गई है। सिर्फ दो बार अगस्त 2019 और जनवरी 2020 में इस पर अनौपचारिक बैठक हुई थी। खैर, अब देखना होगा कि दुनिया भर के देशों के सामने अपनी फजीहत कराने के बाद पाक और चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज आते हैं या नहीं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।